नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी निकल रही है। इससे पहले हमने जिस जिले की बात की थी, साइड माई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज चुके हैं, उनके फॉर्म की वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक और जिले से वैकेंसी है। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। पूर्णकालिका शिक्षिका में हिंदी विषय की है, कुल पद टोटल 3 है, अनारक्षित इसमें 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 है और अनुसूचित जाति 1 है। बाकी मानदेय 22,000 रुपए आप जानते हैं। जिस भी विषय के लिए आप भरेंगे उसमें आपका स्नातक होना चाहिए, बीएड समकक्ष, एलटी ग्रेड और अपर प्राइमरी का टेट। ये तीन चीज सभी में कॉमन है, पूर्णकालिका शिक्षिका। इसी प्रकार गणित विषय की है तो 5 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 2, 2, 1। ऊपर देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में कहां पर लिखा हुआ है, बाकी सेम। इसके बाद पूर्णकालिका शिक्षिका में विज्ञान विषय की टोटल 2 वैकेंसी है, 1, 0, 1, बाकी 22,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी इसमें भी रहती है। पूर्णकालिका शिक्षिका में अंग्रेजी विषय की बात करते हैं, टोटल 4 वैकेंसी, 1, 2, 1, इस तरीके से वर्गीकरण और बाकी सेम। अब अंशकालिका शिक्षक या शिक्षिका की बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर विषय जो है उसकी वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें 4, 1 और 1, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण है। 4, 1, 1, 4 अनारक्षित, 4 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 है और इसके अलावा अनुसूचित जाति की 1 है। और यहां पर जो मानदेय होता है इसका कम रहता है 9,800। जैसे कंप्यूटर विषय है तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, वही यहाँ पर अलग अलग कोर्स के नाम लिखे गए हैं। बाकी बीएड या समकक्ष, एलटी ग्रेड वो वगैरह शिक्षण तो होना ही चाहिए। अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका में स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी, टोटल 3 वैकेंसी, यहाँ पर 3, 0, 0, यानी 3 ही केवल जो वैकेंसी है, सभी की सभी जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में ही है। 9,800 मानदेय, बाकी आपका बीपीएड या सीपीएड डीपीएड आपने किया हो। अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका में कला क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी, टोटल 6 वैकेंसी, इसमें 3, 1 और 2, इस तरीके से वर्गीकरण है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त, बीएड समकक्ष, एलटी इत्यादि। इसके अलावा लेखाकार जो है उसकी जो है वो वैकेंसी है, टोटल 2 आपकी वैकेंसी है, जिसमें 2, 0, 0, इस तरीके से वैकेंसी का वर्गीकरण है। और यहाँ पर आपको पता है ग्रेजुएशन में आपका वाणिज्य यानी कॉमर्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर पर ज्ञान होना चाहिए। ओ लेवल डिप्लोमा या समकक्ष अगर कोई है योग्यता तो वरीयता दी जाएगी, कंपलसरी नहीं है। नॉन टीचिंग में भी सहायक रसोईया की पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है, 0, 0, 1, इस तरीके से इसका वर्गीकरण है, यानी अनुसूचित जनजाति वाला जो है वहां पर ही केवल 1 पोस्ट है। मानदेय सभी में सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल कक्षा 8 पास होना चाहिए और कोई प्रकार से रोग से आप ग्रसित नहीं होने चाहिए। कौन से जिले की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौशाम्बी जिले की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो अंतिम तारीख है 5/6/2023 समय शाम के 5 बजे तक। कहाँ पर आप आवेदन करेंगे, तो सर्व शिक्षा अभियान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी मंझनपुर करके ये पूरा जो है वो पता है, जिसमें आप आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ टोटल 8 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय हैं जिनमें ये वैकेंसी निकली है, टोटल 8, जो कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। अब बात करते हैं थोड़े से और पॉइंट, जैसे कि एज फैक्टर, तो 1 अप्रैल 2023 से काउंट होगी, 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका दिया गया है गुणांक, जो कि मेरिट बनाई जाएगी जिस आधार पर, उसको लेकर के हाई स्कूल के परीक्षा में प्राप्तांक का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20% और प्रशिक्षण जो योग्यता होगी उसका 30%। प्रशिक्षण मतलब बीएड या समकक्ष, उसको लेकर बात की गई है। बाकी अगर आप पहले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, अनुभव है आपके पास, तो 2 नंबर आपको यहाँ पर भारांक के रूप में दिए जाएंगे, अधिकतम 30 अंक जो भी दोनों में से एप्लीकेबल होगा एक जो है वो अप्लाई होगा। बाकी ये जो शैक्षिक स्टाफ है, पूर्णकालिक, अंशकालिक और लेखाकार, इन सभी पर जो चयन होगा वो मेरिट के बेस पर होगा, और जो रसोईया वाली आपकी पोस्ट थी उसका चयन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के पोस्ट पर होगा। ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है कि अगर 2 लोगों के समान मेरिट आ रही होगी तो ऐसे कंडीशन में एज में जो बड़ा होगा उसको वरीयता जो है वो दी जाएगी, और साथ ही साथ जो भी एज भी अगर समान हो गई उस कंडीशन में अल्फाबेट लेटर में जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वरीयता दी जाएगी। टोटल आपका जो अवधि होती है 11 माह 29 दिन की होती है, बाकी संविदा पर आधारित होती है। अगर आपका कार्य संतोषजनक होता है तो उसमें आगे वृद्धि भी की जाती है, इस तरीके से।
ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी जो है उन्हीं का चयन होगा, और उसी जहां पर बालिकाएं हैं वहीं पर आपको निवास भी करना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी के लिए बात की गई है। बाकी आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट की दो फोटोग्राफ, स्वप्रमाणित किए गए समस्त शैक्षिक अंग पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति और दो लिफाफे पत्राचार का पता लिखा हुआ 42 रुपए का डाक टिकट लगा होना जरूरी है। बाकी एक लिफाफे में केवल एक आवेदन होगा, एक लिफाफे में एक से अगर आप अधिक आवेदन करेंगे निरस्त हो जाएगा। लिफाफे के ऊपर आपको क्लियर तरीके से आवेदित पद का नाम, विषय, ये सारी चीजें लिखनी होंगी, और जो भी यहाँ पर पोस्ट खाली वो टाइम के अकॉर्डिंग घट बढ़ भी सकती है। और साथ ही साथ अगर आपके पास अनुभव है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा साथ में, ये भी क्लियर किया गया है। और एक चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा ये भी लिखी है कि आरक्षण का दावा करने वाले महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। बाकी लास्ट में ये आपका आवेदन पत्र दे रखा है, इसी को ही आपको प्रिंटआउट निकालना है, इसी को आपको ऑफलाइन भरना है, और ये प्रिंटआउट यानी कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। इससे पहले वाली हम ऑलरेडी भेज भी चुके हैं, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किए हो इससे पहले जिन जिन जिलों की बात की है तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।